अमित, आपसे शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने नवंबर में कहा था दैट ही वुड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस, ही वुड प्रिफर टू फोकस ऑन एवरी सीट। आज सोर्सेस के हवाले से समझ में आ रहा है कि वो आजमगढ़ की सीट आजमगढ़ की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं। क्या इसी क्या क्या इसे हम योगी आदित्यनाथ इफेक्ट बोलें? नहीं आदिति, देखिए उन्होंने बहुत साफ कहा है कि हमारी पार्टी का जो भी फैसला होगा चुनाव को लड़ने को लेकर, वो एक आखिरी फैसला होगा। तो पार्टी को तय करना है, आजमगढ़ के जिला की पार्टी को तय करना है। ये एक बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय ये है, ये जो लाल क्रांति के पीछे, लाल रंग के पीछे, ये जो किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, जो उनसे जुड़े हुए सवाल हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब ये कैंपेन शुरू की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, आपने देखा होगा कि भारत में इतना बड़ा विपक्ष में रहते हुए जन सैलाब बहुत कम देखने को मिला है। जबकि हम विपक्ष में, हमारी ताकत नहीं है, जब हमारे मुख्यमंत्री जी की रैली होती है तो पूरा प्रशासन लगता है। तो उत्तर प्रदेश में एक ये जो मूड बना है वो ये बना है कि ये जो सरकार है बीजेपी की, ये दलित विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है, किसान विरोधी है। इस सरकार को जाना सबसे बड़ा सवाल है। माननीय अखिलेश जी चुनाव कहां से लड़ेंगे, जल्द ही पार्टी जब फैसला करेगी तो वो आप तक पता चल जाएगा। लेकिन अदिति, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज जब अखिलेश यादव जी ने जो महिलाओं की और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो विडोज हैं, उनकी जब पेंशन का इंतजाम किया है 18,000 रुपया सालाना, ये एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक महिलाओं की जिंदगी में होने जा रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि सरकार बनने पर, क्योंकि किसान उत्तर प्रदेश में जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है आप जानती हैं, हमने कहा है कि 15 दिन में हम गन्ना किसानों का जो भुगतान है उसका काम करेंगे। और जो एमएसपी है, जिसका वादा बीजेपी ने 14 के मैनिफेस्टो में किया था, 17 के मैनिफेस्टो में किया था, जो वादा खिलाफी उन्होंने की है, समाजवादी सरकार जैसे सरकार में आएगी उसका पहला एजेंडा होगा कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की जा रही है। और उत्तर प्रदेश आदिति, देयर इज अ गुड न्यूज, हिंदू मुस्लिम करने को उत्तर प्रदेश के की जो जनता है वो तैयार नहीं है। I want to talk about the seat that Akhilesh Yadav would probably be contesting on. Is it going to be Gopalpur, Jamai sir? मैं आपसे आदिति जी एक बात तो कह सकता हूं कि जो उन्होंने बात कही उसमें सच्चाई है कि हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व फैसला करेगा। अभी आपको हैरत हो रही होगी कि आपकी पार्टी में पार्टी एक, तो पार्टी के नेता तो वही हैं सर। नहीं, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव है, वो फैसला करती है, चाहे वो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो कहां से लड़ेंगे, इसका फैसला, आखिरी फैसला पार्टी का होगा। 20 दिन बचे हैं पहले चरण की वोटिंग, उससे कम। अदिति, लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट डालना है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, इस किसान विरोधी की सरकार, किसान विरोधी विरोधी जो सरकार है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। आपको मालूम है, ये हैरत होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन के जो चुनाव हो रहे हैं वो कौन विधानसभा में एमएलए है ये उसका नहीं हो रहा, ये सिंबल का चुनाव है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि साइकिल और जो उसका गठबंधन है, हमें बीजेपी आरएसएस को उखाड़ के फेंकना है, ये ठीक है, कमिटमेंट तो उत्तर प्रदेश के अंदर है लोगों में। अदिति, आई हियर यू, यू आर नॉट विलिंग टू गिव एनी कमिटमेंट, जस्ट लाइक इवन अखिलेश यादव इज नॉट विलिंग टू गिव एनी कमिटमेंट वेदर ही विल फाइट द पोल्स और नॉट। अभी तक तो उन्होंने ये कह के छोड़ा हुआ है कि लेकिन योगी आदित्यनाथ के मैदान में आने के बाद क्लियरली प्रेशर है। एंड आई वॉन्ट टू गो टू प्रोफेसर शशिकांत पांडे, जी वॉट विल बी द वॉट विल डू यू थिंक दैट देर इज प्रेशर ऑन अखिलेश यादव सर टूडे टू फाइट द लोकल असेंबली इलेक्शंस? येस ऑफ कोर्स अदिति, एंड इनफैक्ट वी कैन सी दैट यू नो अदरवाइज यू नो ही वुड हैव डिक्लेयर्ड मच इन एडवांस दैट यू नो आई एम गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सीट। बट वंस योगी यू नो मेड इट क्लियर दैट यू नो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड एंड वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन, दो देयर वर ए स्पेकुलेशन वेदर ही वुड कंटेस्ट फ्रॉम मथुरा और फ्रॉम अयोध्या, एंड फाइनली नो बीजेपी नो डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू फील्ड हिम फ्रॉम हिज होम टर्फ because you know that is the safe seat from there. He won many times as member of parliament, he got elected. So once Yogi's candidature was declared, and then there were some sarcastic comments from leaders like Kesho Maurya and many others that you know Akhilesh is you know is doesn't want to contest and he's running
therefore, you know, actually what happened that now suddenly this Samajwadi party, you know, has started saying that yes, Akhilesh Yadav will contest elections. Even Akhilesh has said that, you know, our national executive will decide. So definitely we there, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अखिलेश यादव एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स देने के लिए कि हम जो है आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो शायद जो है इलेक्शंस कंटेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि वो चुनाव लड़ेंगे. तो एक कहीं ना कहीं एक हाँ, उन्होंने खुद बोला था कि मैं सारी सीट्स पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव. और अब नाउ टुडे ही इज ऑब्वियसली मोर अमेनेबल टू फाइटिंग इलेक्शंस. बट सुनीता, आजमगढ़ वैसे तो सपा का गढ़ है, रहा है, लेकिन गोपालपुर, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाउ बेनिफिशियल इट विल बी फॉर अखिलेश दैट पर्टिकुलर, बिकॉज दैट सीट इज वेरी वेरी you know, why don't you help our viewers understand the choice of Gopalpur if that happens? No, he hasn't decided on Gopalpur. This is what is being speculated. Yes. He is contesting from Azamgarh because it is his Lok Sabha constituency. Mulayam Singh ji also contested from there. Also, I think why they contest elections is that it sends a message. It activates the cadre. East UP is, you know, after Maurya, Rajpur, they all moved out of BJP. Rajpur had moved out earlier. East UP is becoming a very interesting contest because the backward politics, whatever changes you see, it's happening in East UP. And with Akhilesh contesting the election, I think it becomes all the more, it galvanizes the cadre and the party machinery. So perhaps it's because of that that he's talking about contesting election from Azamgarh and let people of Azamgarh decide. But any seat from Azamgarh would have been comfortable for him. It's Gopalpur. Why is he contesting from there? Or he'll be contesting from somewhere else? I think SP spokesperson will be able to throw more light on that. Do you want to come in there, Amik? I think Sunita has directly asked a question of you. नहीं, मतलब हम आपसे बहुत उसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपको जो हमारी पार्टी के जो फैसले होंगे. देखिए, योगी जी में और माननीय अखिलेश यादव जी की बात में दो दो तरह के फर्क हैं. खुद बाबा मुख्यमंत्री जी ने जो है एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चिट्ठी लिखवाई प्रधानमंत्री जी को कि वो मथुरा के फायर ब्रांड बनना चाहते हैं. फिर कहा कि साहब वो अयोध्या से लड़ेंगे. देखिए, उत्तर प्रदेश में जब वहां से उनका रिएक्शन आया, वो ये रिएक्शन था कि प्रदेश के लोग या मथुरा के लोग वो किसी भी तरह की हेट पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं. अयोध्या के लोग हेट पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं, वो बहुत कुछ देख चुके हैं. इसलिए उनको वहां से पैक करके खुद भारतीय जनता पार्टी ने उनको गोरखपुर का रास्ता दिखा दिया. अखिलेश यादव जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है कि हमारी किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे. हो सकता है कि कोई ऐसी भी सीट हो सकती है कि जो हमारे कोई एमएलए सीनियर एमएलए हो वो हट जाए और खुद अखिलेश जी लड़ जाए, ये विषय नहीं है. मेन बात यह है कि जो पार्टी के जो शीर्ष जो डिसीजन होने वाले हैं वहां से बहुत जल्द आपको जो है इसका आपको अंदाजा आप तक खबर आ जाएगी. आदिति वी केप्ट ऑन स्पेकुलेटिंग दैट योगी विल बी कंटेस्टिंग फ्रॉम अयोध्या और मथुरा एंड देन ही वेंट टू गोरखपुर. सो जनरली लीडर नहीं, मैम मथुरा के लिए मैम एक मिनट, व्हाट इफ अखिलेश जी डिसाइड्स टू कंटेस्ट फ्रॉम अयोध्या? समाजवादी पार्टी हैड वन इट इन 2012. ये भी हो सकता है. कहने को तो नहीं, कहने का अयोध्या में कंटेस्ट करने